प्यारे बच्चों, आज हम ज़बर ज़ेर और पेश और उल्टा पेश के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे और उनसे बने हुए लफ्ज़ को देखेंगे। ज़बर जो है हुरूफ़ के ऊपर रहता है, जैसे अलिफ के ऊपर ज़बर दिया है, इसको आ पढ़ेंगे, इसको बा पढ़ेंगे, ता जा हा ऐसे पढ़ेंगे। अब अलिफ से जो है कुछ ज़बर देकर लफ्ज़ बनाए गए हैं, जैसे अलिफ ज़बर आ अदाल बा ज़बर दब, इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ, अदब। बा ज़बर बा दाल नू ज़बर धन, क्या पढ़ जाएंगे? बदन। हाँ, जीम अलिफ ज़बर जा मीम नू पेशमुन जामुन। यहाँ जो है ज़बर का जो है इस्तेमाल दिखाया गया है, इसी तरह का ज़ेर का इस्तेमाल, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, जाल ज़ेर जी, रा ज़ेर री, जा ज़ेर जी, इसके लफ्ज़ बनेंगे दाल लाम ज़ेर दिल, ज़े या ज़ेर जी, वार ज़बर ज़ेबर, रा या ज़ेर री, लाम साकिन, क्या हो जाएगा? रेल। इसी तरह पेश का इस्तेमाल देखिए आप लोग, सीन पेश सु, शीन पेश शु, ता पेश तु, जा पेश जु, ऐन पेश उ, इसका लफ्ज़ जो बनेगा शोर, तूता, गूल, ठीक है। उल्टा पेश का जो इस्तेमाल देखिए, ये भी पेश के तरह होता है, फा उल्टा पेश फु, का पेश कु, रा पेश रु, नू उल्टा पेश नू, ऐन उल्टा पेश उ, इसको पढ़ेंगे। काफ अलिफ जबर का, फे वा पेश फू, काफूर हो गया, का फा वा उल्टा पेश फू, इसको पढ़ेंगे काफूर। टे टे जबर टट, टे वा उल्टा पेश टू, टट टू अलिमदया, लाम वा उल्टा पेश लू, आलू, ठीक है। तो इसको खूब मश्क करेंगे, पढ़ेंगे और इसको जो है अपने कापी पर लिख कर स्कूल के जो है व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, ठीक है। ओके, अरे यार आओ हमारे परिजन बाबा।